हेलो एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र है और मैं मेडसोर इंपैक्स कंपनी से हूँ। आज हम फॉगिंग मशीन के बारे में बताने वाले हैं। तो फॉगिंग मशीन है जिसकी टैंक कैपेसिटी है आपकी 5 लीटर, और यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑन ऑफ स्विच है। फॉगिंग मशीन के लिए यहाँ पर जो फॉगर होता है वो आपको यहाँ से इसकी फॉगिंग को कंट्रोल करने के लिए है, ठीक है। और ये वाटर टैंक है जिसमें आपको पानी डालना है। ये इसकी कैपेसिटी 5 लीटर की है वाटर टैंक की, जो कि अब हम इसमें पानी डालते हैं। ये 1 लीटर बोतल है, पानी हम पानी डाल रहे हैं इसमें 1 लीटर। ये पानी डालने के बाद में क्या है, इसके बाद में हम यूज करने वाले हैं प्रोडक्ट है ओपन करने के बाद जो इसमें हम लिक्विड लेने वाले हैं। एटलीस्ट और कुछ मशीन के बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको अभी कि एटलीस्ट जब भी आप फॉगिंग मशीन को यूज करें तो कम से कम 3 से 4 फीट के हाइट पे एटलीस्ट डिवाइस आपकी होनी चाहिए और प्रॉपर बैलेंसिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब ये चीज चले तो डिसबैलेंसिंग हो, प्रॉपर किसी भी बेस पे प्रॉपर नहीं रखी हो तो हो सकता है कि मशीन आपकी गिर जाए। ये मशीन है, इसमें बिना पानी के डेफिनेटली यूज नहीं करनी है। जब प्रॉपर आप लिक्विड डाल देंगे और जो आपका मटेरियल है, जो लिक्विड है, जो जिससे आप क्लीन करना चाहते हैं एनवायरमेंट को, वो पुट करने के बाद में ही आप डिवाइस को चालू करें। आपने अगर एम्प्टी अगर इसे चालू कर दिया तो डेफिनेटली डिवाइस के खराब होने के चांसेस, क्योंकि जब मोटर रन करेगी और विदाउट वाटर की रन करेगी तो डेफिनेटली वो खराब होने के मोटर के चांसेस रहेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा आप अवॉइड करें। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे इसको हम स्टार्ट करते हैं, ये मैंने लगा दिया है और यहाँ पर ये ऑन का बटन है। आप देख रहे होंगे साइड में, ये देख रहे होंगे यहाँ पर ये टाइमर है। अब इसको हम सेट करेंगे, लाइक अभी मैंने इसको 20 पे सेट किया हुआ है। अब ये टाइमिंग आप देख रहे होंगे, आवाज सुनाई दे रही होगी, ऑटोमेटिकली ये 20 के बाद में बंद हो जाएगा। तो और यहाँ से ये ऑन करने के लिए है, तो अभी हम इसको ऑन करते हैं।